स्नैपडील एक समय इंडिया के सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक था और सिर्फ 6 सालों में ही ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गया। जब स्नैपडील पीक पर था तो इसकी वैल्यूएशन थी $6.5 बिलियन और इसके इन्वेस्टर्स थे रतन टाटा, ईबे, सॉफ्ट बैंक और नेक्सस वेंचर जैसी बड़ी कंपनीज। लेकिन फिर 2016 के बाद अचानक से स्नैपडील का मार्केट शेयर 25% से गिरकर सिर्फ 4% पर रह गया। यहां तक कि 2017 में तो ये कंपनी बैंककरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर $1 बिलियन की फंडिंग के बाद भी स्नैपडील फेल कैसे हो गया, सेलर्स ने इस प्लेटफॉर्म से मुंह क्यों मोड़ लिया, अभी स्नैपडील कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आने वाले सालों में ये वापस से अपनी पोजीशन हासिल कर सकता है। आइए इन सभी सवालों का जवाब हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, स्नैपडील की शुरुआत कुणाल बहल और रोहित बंसल ने 2010 में की थी। उस समय इंडिया में इसका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था, फ्लिपकार्ट। लेकिन आज जहां फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर 50% है, वहीं स्नैपडील का सिर्फ 4% के आसपास। अब स्नैपडील ने अपने शुरुआती सालों में तो खूब कमाल दिखाया, बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स को खुद से जोड़ा, लार्ज कस्टमर बेस बनाया, कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और खूब फंडिंग्स बटोरे। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी के सुनहरे दिन खत्म होने लगे, सेलर्स इसे छोड़कर जाने लगे, कस्टमर्स से मिलने वाली शिकायतों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया और यहां तक कि इस कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज भी इससे मुंह मोड़ने लगे। लेकिन ये सब हुआ क्यों, आइए जानते हैं। अब अगर हम सबसे पहले कस्टमर्स के प्रॉब्लम को समझें तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स उन्हें डिलीवरी डेट क्रॉस हो जाने के बाद मिल रहे थे। इसके अलावा वो ऑर्डर कुछ कर रहे थे और उन्हें रिसीव कुछ और ही होता था। जैसे कि चेन्नई की एक लड़की ने स्नैपडील से 12,000 रुपए का एक फोन ऑर्डर किया, लेकिन जब पैकेट को ओपन किया गया तो उसके अंदर फोन की जगह ईंट का आधा टुकड़ा मिला। इसके अलावा लास्ट ईयर नवंबर में स्नैपडील के ही एक कस्टमर ने रिव्यू पोस्ट किया कि उन्होंने एक फ्लैशलाइट टॉर्च ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी जगह उन्हें ट्रिमर रिसीव हुआ। और दोस्तों, इसी तरह के कंप्लेंट्स राइज करने वाले लाखों कस्टमर्स हैं, जिन्हें कभी फेक प्रोडक्ट्स मिले, कभी डिलीवरी लेट रही तो कभी रिफंड ही नहीं मिला। बेसिकली ये गड़बड़ियां स्नैपडील के वर्स्ट मैनेजमेंट की वजह से हो रही थी, क्योंकि इनके पास पार्सल्स को चेक करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं था, जिसका फायदा उठा रहे थे फेक सेलर्स और फंसते जा रहे थे हम और आप जैसे कस्टमर्स। और दोस्तों, यही वजह थी कि लोग इस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए बाय बाय कहकर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे। अब अगर बात करें सेलर्स की, तो कस्टमर्स की तरह ही वो भी स्नैपडील से निराश हो चुके थे और उन्होंने भी धीरे धीरे यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। अब शुरुआती दिनों में तो ज्यादा से ज्यादा सेलर्स स्नैपडील से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म था। हर दिन बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते थे और अच्छी सेल होती थी। कंपनी की पॉलिसीज भी बहुत अच्छी थी और मैनेजमेंट भी स्मूथली काम कर रहा था। इसके अलावा सेलर्स को जो सबसे अच्छी बात लगती थी वो ये थी कि बाकी कंपनी जहां 21 दिन में पैसे दे रही थी, वहीं स्नैपडील उन्हें सिर्फ 7 दिन में ही पेमेंट कर देता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद चीजें बदलने लगी। सेलर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना एक सिरदर्द बन गया, क्योंकि स्नैपडील बार बार बेकार की पॉलिसीज लेकर आता था। छोटी से छोटी एरर की वजह से ट्रस्टेबल सेलर्स का अकाउंट ब्लॉक कर देता था और जब वो उसे अनब्लॉक कराने जाते तो कंपनी के मेंबर्स को ही पता नहीं होता था कि इस पर डिसीजन कौन लेगा। इसके अलावा कंपनी ने एक अजीब सी पॉलिसी बनाई कि सारे सेलर्स को अपने वेयर हाउस को बंद करके स्नैपडील के वेयर हाउस में सामान लाना होगा। अब सेलर्स के पास खुद के बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे, जहां वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखते और उसे डिलीवरी के लिए भेजते थे। अब इनमें से जब कुछ बड़े सेलर्स ने अपना प्रोडक्ट शिफ्ट करने से इनकार कर दिया तो कंपनी एक और पॉलिसी लेकर आई कि सेलर्स अपने वेयर हाउस से डेली सिर्फ 5 प्रोडक्ट ही बेच सकते हैं। अब जहां वो डेली के हजारों ऑर्डर्स लेते थे, वो सिर्फ 5 रह गया, जो कि उनके लिए ना के बराबर सेल थी। ऐसे में मजबूर होकर सभी सेलर्स को अपने प्रोडक्ट स्नैपडील के पास भेजने पड़े, लेकिन स्नैपडील के वेयर हाउस में तो जगह ही नहीं थी कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स को रखें। जिसके बाद से स्नैपडील ने फिर से पॉलिसी चेंज की और सेलर से ये कहा, या तो वो इनके वेयर हाउस में सामान रखने के लिए कुछ रेंट पे करें या फिर अपने सामान को वापस लेकर जाएं। अब सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को वापस लेने गए, तब उन्हें पता चला कि इनमें से बहुत सारे सामानों की चोरी हो गई है और इस चोरी में मैनेजर तक शामिल थे। अब जब सेलर्स ने इसकी शिकायत कंपनी के सीईओ से की तो फिर उन्होंने इस पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। ऐसे में इस मामले पर ना ही कोई कार्यवाही हुई और ना ही सेलर्स के लॉस की भरपाई।
इन्हीं सभी रीजंस की वजह से बहुत सारे सेलर्स स्नैपडील को छोड़कर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पर शिफ्ट होने लगे। वैसे अगर आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज है तो फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे आप आईपीएल के लिए यूज करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। आपको बस स्पोर्टिगो नाम के इस फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग ऐप को इंस्टॉल करना है, जहां आप स्टॉक मार्केट के शेयर की तरह अपने फेवरेट खिलाड़ी पर ट्रेड कर सकते हैं। लाइव प्लेयर स्टॉक्स के अलावा इस ऐप की खासियत है इंडिविजुअल प्लेयर ट्रेडिंग, मतलब कि ना तो टीम बिल्डिंग की झंझट और ना ही लीग में खेलने का प्रेशर। यानी कि अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करिए, फेवरेट प्लेयर पर ट्रेड करिए और बनिए एक बेहतरीन ट्रेडर। यह ऐप एक बिगनर फ्रेंडली है, इसीलिए देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके मेरा कूपन कोड Play50 यूज करिए। आपको 100 रुपीज ज्वाइनिंग बोनस के साथ साथ 50 रुपीज का वेलकम बोनस भी मिलेगा। फिलहाल चलिए स्नैपडील के डाउनफॉल की स्टोरी पर वापस आते हैं। स्नैपडील के एक पुराने सेलर का कहना है कि वो एक साल तक इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे थे, लेकिन उसे छोड़कर जब वे अमेज़न में शिफ्ट हुए तो उन्हें सिर्फ 3 महीने में ही समझ आ गया था कि स्नैपडील आखिर फेल क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर ने अमेज़न पर 1,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचे हैं तो फिर उन्हें 60 रुपए सेलिंग कॉस्ट देना पड़ता है, लेकिन सेम अमाउंट के लिए स्नैपडील चार्ज करता है 160 रुपए। वही 10,000 रुपए के प्रोडक्ट पर अमेज़न का सेलिंग कॉस्ट था 400 रुपए और स्नैपडील का 1,200 रुपए। यानी कि स्नैपडील अमेज़न के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फी लेता था। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी सेलर स्नैपडील को क्यों ही प्रेफर करेगा। इसके अलावा जब से सेलर्स ने स्नैपडील पर सामान बेचना शुरू किया था, वो अपने बिजनेस पर फोकस करने से ज्यादा टेक्निकल या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग इश्यू को ही सॉल्व करने में बिजी रहते थे। स्नैपडील के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि सेलर्स डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। कोई भी क्वेरी के लिए पहले कस्टमर केयर सेंटर को कांटेक्ट करते थे, इसके अगले दिन कस्टमर केयर वाले सेलर से पूछकर इसका रिप्लाई कस्टमर को देते, जो न सिर्फ ग्राहकों के फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता था बल्कि स्नैपडील के ऑपरेशनल कॉस्ट को भी इंक्रीज करता था। स्नैपडील का सेलर सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि सेम क्वेरीज पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल डिफरेंट रिस्पांस मिलता था और जो अकाउंट मैनेजर्स थे उनका सिर्फ लोन और एडवर्टाइजमेंट बेचने में ही इंटरेस्ट रहता था। स्नैपडील के फेल होने का एक रीजन ये भी था कि कंपनी इनोवेटिव होने और नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में फेल हो चुकी थी। ये प्लेटफॉर्म अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बिगर प्लेयर्स को हर प्रोडक्ट कैटेगरी में ही कम्पीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को किसी एक कैटेगरी के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। एक तरफ देखें तो फ्लिपकार्ट मेनली फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करता है, तो वहीं अमेज़न प्राइम और पैंट्री पर, लेकिन स्नैपडील के पास ऐसी कोई भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी। इनका ज्यादातर फोकस डिस्काउंट देने पर था, न कि बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने और लॉयल कस्टमर बेस बनाने पर। एक तरफ तो स्नैपडील कंपनी के इंटरनल इश्यूज को ही सॉल्व नहीं कर पा रहा था और दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर तेजी से अलग अलग स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रहा था। स्नैपडील ने 14 एक्विजिशन और 5 इन्वेस्टमेंट किए थे, जिसके लिए कंपनी ने $6 मिलियन से भी ज्यादा की रकम स्पेंड की थी। इसके एक्वायर किए गए स्टार्टअप्स में फ्री चार्ज, सोपो, रिड्यूस डाटा, ग्रैबॉन, यूनिकॉमर्स और ऐसे ही कई सारे स्टार्टअप्स थे, लेकिन स्नैपडील 6 सालों में इनमें से किसी को भी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाया। और हाँ, स्नैपडील के बर्बादी में सबसे बड़ा रोल इनके लीडरशिप की भी रही, क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजंस 2 CEOs ही लिया करते थे और इसमें किसी भी सीनियर मैनेजमेंट की राय नहीं ली जाती थी। बार बार बनाई गई खराब पॉलिसीज ने भी कंपनी के एम्प्लॉयज और सेलर्स को काफी परेशान किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में वो रिजाइन देकर दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। स्नैपडील को अपने ग्रोथ फेज में अपने इन्वेस्टर्स से खूब पैसे मिले थे, लेकिन उसे बेकार के एक्विजिशन, वेयर हाउस बनाने, IIM और IIT से एम्प्लॉयज को हायर करने में ही खर्च कर दिया गया। इस तरह के खर्चे और प्रॉफिट न कमाने के बाद कंपनी करोड़ों के कर्जे में डूब गई, लेकिन इसके बावजूद भी CEOs ने स्पेंडिंग कम करने की कोशिश नहीं की और दोनों 45-45 करोड़ की सैलरी लेते रहे। इसी बीच स्नैपडील ने रीब्रांडिंग और दिवाली सेल पर भी 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा शॉक स्नैपडील को तब लगा जब SoftBank के फंड मैनेजर निकेश अरोरा ने कंपनी से रिजाइन दे दिया। अब क्योंकि SoftBank इनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, इसीलिए इनकी फंडिंग रुक गई और हालात कुछ ऐसे हो गए कि 1 महीने भी कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके बाद से CEOs ने सोचा कि कंपनी को 50% लॉस के साथ फ्लिपकार्ट या फिर पेटीएम को बेच देंगे, मगर इस पर इन्वेस्टर्स ने जमकर विरोध किया और स्नैपडील को अपना इरादा बदलना पड़ गया। स्नैपडील आज 1 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए खर्च कर रहा है और इसके लॉसेज भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां इसके लॉसेज 125.4 करोड़ रुपए थे, 2022 में ये बढ़कर 540 करोड़ रुपए हो गए। तो दोस्तों, अब लास्ट में सवाल तो यही रह जाता है कि क्या ये कंपनी कभी प्रॉफिट कमा पाएगी। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल
कंपनी को अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर नई और बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। स्नैपडील को सबसे पहले कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करना होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, साथ ही अपनी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को भी ऑप्टिमाइज करना होगा, और अंत में प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना होगा। और दोस्तों, इसी तरह के और भी कई छोटे बड़े बदलाव करके हो सकता है स्नैपडील वापस से प्रॉफिटेबल बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, स्पोर्टिको ऐप के थ्रू अपने स्पोर्ट्स नॉलेज को पैसों में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।